कही देता हूँ अपनी और शिष्टाचार में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे भी महसूस करता हूँ कि पिछले दिनों आपकी काफी मगर के खातर मेडल का तलब है। मैं ये कमी महसूस करता हूँ कि मेडल में अगर हो सकते इसके बाद यहाँ बैठे हुए रविंदर कुमार टंडन जी जिला के कैंडिडेट, यहाँ बैठे हुए रियाज साहब राजनीति से थोड़ा ऊपर उठ के ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है। यहाँ एक दिन अभी हमारा बीटीसी का इलेक्शन हुआ, सेना जिस जंग में जाएगी वो अपने जंग हमारा भाई है। और मैं समझता हूँ कि चिश्ती साहब की जो एक पहचान है, ये जो चुनाव हुआ डीडीसी के अंदर, तो हम मुन्नार मंदिर के अंदर गए तो वहाँ हमारी एक मीटिंग थी, तो वहाँ के प्रधान जो काफ़ी बुजुर्ग है, मतलब कि लगभग 70 साल या 80 साल उनकी उम्र होगी, तो जब वो बोलने लगे उन्होंने कहा मैं आज किसी चीज़ के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ चिश्ती साहब को देखने के लिए आया हूँ। उन्होंने 20 साल पुरानी बात चिश्ती साहब को याद कराई कि मैंने आपसे मंदिर के लिए मदद मांगी थी, तो आपने बिना मेरे साथ मंदिर की मदद की। हमारा चाहे खखर रावण का मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चाहे नगाली साहब का लेंटर पड़ने वाला मसला हो, चिश्ती साहब हर जगह मदद करते हैं, मदरसे और मस्जिदों की तो मदद करते ही करते हैं। चिश्ती साहब इसके लिए भी बड़े मशहूर हैं, ये गरीब परवर है। लेकिन उस चुनाव के अंदर हमने देखा कि लोग इनको सिर्फ इसलिए देखने के लिए आए कि हम उस शख्स के पास मंदिर के लिए मदद मांगने के लिए गए थे, तो इन्होंने बिना मजबूत मिलत हमारी मदद की। और इनके साथ आए हुए हमारे भाई श्री सुनील गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर डिप्टी के स्पोक्स पर्सन। मैं सबसे पहले वेंडर मंडल में इनका स्वागत करता हूँ, क्योंकि काफ़ी देर के बाद उसके जहाँ तक मैं समझता हूँ एक आध बार एमरजेंसी में आए जरूर जिला अध्यक्ष जी हमारे बीच में, लेकिन आज स्पेशली यहाँ पे आए हैं, मैं बहुत बहुत इनका स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले अपनी ओर से मेंटल मंडल की पूरी टीम से, टीम की तरफ से मैं चिश्ती साहब को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। बीटीसी इलेक्शन में जो इन्होंने इलेक्शन हारना और जीतना, ये तो आम सी बात है, 10 खिलाड़ी होते हैं, एक जीतता है एक हारता है। मैं कहता हूँ कि ये जीते हैं, पूछ के रिकॉर्ड बनाया 11-12 हज़ार वोट लेकर, इस पे हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो कुछ भी नहीं है या चीज हूँ चिश्ती साहब को फिक्स हो, क्योंकि हमारा भाई है, सुनील साहब ने कहूँ ये हमारा भाई है। हमारे पास जितने में हमारे 25 प्रमुख शक्ति केंद्र हैं, उनके इंचार्ज आज मौजूद हैं सब यहाँ पे, सब ने मेहनत करनी है। सबसे पहले आज से ही, पहले से भी आप कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, पिछले 25-30 साल से कुछ नए सिरे से हमने शक्ति के अंदर जितने भी बनाए हैं, उनसे हमें दोबारा ये कहूँगा कि वो भी अपना वर्क करें, अपने बूथ तैयार करें, अपने बूथ के हमें जितने भी वो प्रेसिडेंट देंगे, वो साथ में एक जनरल सेक्रेटरी देंगे, साथ में 4-4 वाइस प्रेसिडेंट बना लें, 4 सेक्रेटरी बना लें, 10 बंदे हमारे ये क्या रहे। जो हमारे पार्टी कार्यकर्ता आते हैं, इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर नहीं, इसके बाद आज आपसे हम यही प्रार्थना करते हैं, ये कार्यकर्ताओं से ये प्रार्थना करते हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारे कार्यकर्ताओं की जो समस्या है उनका हल नहीं निकालेगी, तो हम धरने के ऊपर बैठ जाएंगे। स्किन के सामने जहां हम देख रहे हैं, ऐसा मसला नहीं होना चाहिए। हमारे डीडीसी के जो कैंडिडेट हैं, अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो भी लोगों की समस्या है वो आप लेकर यहां पर आइए मरकज में, हम देखते हैं ये काम कैसे नहीं करते। ये हमारी जो ऐसी स्कीमें हैं प्रधानमंत्री ने चलाई हुई है, ये हमारे डोर टू डोर जो हमारे गांव के अंदर लोगों को पार पहुंचती है या नहीं? क्या सारों का जो पैसा है वो पहुंचता है? जिसको नहीं पहुंचता तब भी बताओ, जो जिसका मकान ये डीडीसी कैंडिडेट है जो हमारे, उनका जिम्मेवारी बनती है, ये गरीब आदमी है, इसका मकान नहीं है, तो उसने वहां लिस्ट बनाकर यहाँ पर लाना है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने बीपीएल जो है वो भी देखना है कि बीपीएल क्या है। बीपीएल के मोटा आदमी है तो उसका बीपीएल बन जाता है, गरीब आदमी का बनता नहीं है, वो झोंपड़ी वहां गिर जाती है। ये क्या मामला है? जो मुलाजम आदमी है उनके बीपीएल बने हुए हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, ये बीपीएल गरीब आदमी के लिए है, जो गरीबी के नीचे रेखा के नीचे है, ये उनके लिए है। और
यहाँ के जितने भी शक्ति केंद्र प्रमुख सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आदाब। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाते से पहली बार मैं यहाँ मीटिंग ले रहा हूँ। वैसे तो दो तीन बार एमपी साहब के साथ या किसी दूसरे फंक्शन में आया। दिसंबर 2019 में हमारा एंडिंग दिसंबर में इलेक्शन हुआ था, जिसमें मुझे पता नहीं था तो इन्होंने मेरा नाम नॉमिनेट किया और इलेक्शन हुआ तो मैं ज़िला अध्यक्ष बन गया। उसके बाद एक साल कोरोना वायरस में रहे, जिसमें कोई फिजिकल मीटिंग करनी या जमा करना या लोगों के साथ बात बात करना मना थी और हमें हदायत थी कि से लेके प्रधानमंत्री तक जितने इलेक्शन होते हैं वो हम जीत सकते हैं। हम यही सोचते हैं कि बीजेपी को वोट कौन देगा, जी वो अच्छा लीडर है उसको दे दो। ये हमारी नामेदी मेंडर से 3300 वोट या 3600 वोट पार्लियामेंट के इलेक्शन में युगल किशोर शर्मा साहब को दिया, तो इस बार हमारे रूरल के सिटी में इलेक्शन नहीं थे, रूरल में इलेक्शन थे। मेंडर में सिटी नहीं है, म्यूनसिपलिटी नहीं है, ये सिटी यहाँ की सिटी भी जो है वो भी रूरल एरिया ही है। तो यहाँ 41-42 पंचायतों में मेंडर ब्लॉक था, इसमें सिटी भी। तो पुंछ ब्लॉक में 26 पंचायतें थी, 26 पंचायतों में से दो ब्लॉक बनने थे। हमने पुंछ से एक ब्लॉक काट के आपको दिया मेंडर को। इस बात पे डीसी साहब और एसएसपी साहब से हमारी डिस्कशन हुई। एसएसपी ने कहा कि हेडक्वार्टर का ही चेयरमैन बनेगा तो हेडक्वार्टर की सीटें ज़्यादा रखनी चाहिए, आपने मेंटर की सीटें ज़्यादा रखी। उसने अच्छी सजेशन दी अपनी जगह बैठ के, ये नहीं लोगों में नहीं बात दी, अब मैं बता रहा हूँ। वो दोनों के तीन बनाए कि कम से कम हम यहाँ अगर तीन नहीं तो दो ब्लॉक 100% इलेक्शन जीतेंगे। इलेक्शन लड़ने के लिए मेंटर से किसी एक ब्लॉक से टंडन साहब का नाम और मीर मोहम्मद साहब का नाम आया जम्मू में। पहले तो इनको कहा था कि दो नाम नहीं भेजने, एक ही नाम फाइनल करके दो। जब जम्मू में आया तो नाम दो थे, हमने कहा कि दोनों नाम रखो ऐसे ही। जो मैंडेट थे वो सारे के सारे मेरे पास थे, वहाँ से मैंने लिए। तो मैंने कहा हम टंडन साहब के घर जाएंगे, अगर मीर मोहम्मद साहब को इलेक्शन लड़ना होगा तो टंडन साहब लड़ाएंगे तो लड़ेंगे, नहीं तो टंडन साहब को देंगे मैंडेट। अब कुछ लोगों ने कहा कि नहीं मीर मोहम्मद साहब को इलेक्शन लड़ाना चाहिए। फिर मुस्लिम आबादी से जो पहली बार बीजेपी में आए, हमने 11,000 वोट लिए वहां से। अगर मुझ में ये थोड़ी सी भी नरमी होती या मैं सोचता इसमें ज़रा भी वोट होता कि नहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू की पार्टी है तो फिर वो लोग मुझे वोट नहीं देते, नहीं देते। हमारा सबसे बड़ा काम जो है वो ईमानदारी से चल के हमें ये बीमारी दूर करनी है। फिर दूसरी बीमारी हमें आ गई ये हिंदू मुसलमान की होगी, दूसरी हो गई जी गुज्जर और नान एस टी और नान एस टी। ठीक है, नान एस टी वाले लोग पहाड़ी लोग, पहाड़ियों के लिए रिजर्वेशन 1979 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था वो पहला पहाड़ियों के लिए भेजा था, दूसरा भेजा था प्रपोजल एस टी के लिए गुजरों के लिए। तो हिंदुस्तान में कांग्रेस की गवर्नमेंट में गुज्जर बड़े बड़े नेता या लीडर थे तो उन्होंने सपोर्ट की होगी, उनको रिजर्वेशन मिल गई, पहाड़ियों को नहीं मिली। जबकि एक पहाड़ पे एक ही जगह एक ही गांव में एक आदमी गुज्जर को
नहीं मिला उसको मिला। भारतीय जनता पार्टी ने 4% अनुसूचित पार्टियों का ये जब मसला चला तो हमारे प्रधानमंत्री ने उस पर देखा कि ये इनके सामने साथ हुई उनको भी दे दिया। गुजरों के साथ जो पूरे हिंदुस्तान में जो फैसिलिटी एसटी रिजर्वेशन के लिए थी वो हिंदुस्तान में थी और जम्मू कश्मीर में नहीं थी, तो जम्मू कश्मीर में उनको भी हर किस्म की रिजर्वेशन का जो फायदा था वो दिया। तो ये पार्टी ऐसी नहीं है कि किसी मजहब की है, ये हमारे इंडिया की है, भारत की है। और महात्मा गांधी ने जो हिंदुस्तान आज़ाद करवाने के लिए जो शर्तें जो तरीका दिखाया था उस तरीके पर चलने वाली पार्टी है। मैं उसको अच्छे तरीके से सोच समझ के पार्टी को मैंने भारतीय जनता पार्टी जैन और उसमें हमारे लोगों ने आप देखेंगे कि पुंछ और निगाली कंस्टिट्यूएंसी मुसलमानों में सबसे आला कौन पुंछ होती है, सैयद आले रसूल एक एक सैयद है बोलते हैं। तो अगर उनको कोई शक नहीं है तो और किसी को शक कैसे होगा। सबका ख्याल रखना, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, कौन मतलब प्रस्त है, किसको हमने कैसे टक्कर दी। पोलिंग बूथ पे ये भी देखा जाता है कि शरीफ शरीफ लोग मेरे जैसे जो होते हैं उनको भगा देते हैं। अच्छा दाढ़े वाला आदमी भी होना चाहिए, वो भी हमने भर्ती करने है, हर खानदान से भी भर्ती करने है। और पहला यहाँ मैं मैंडर की इसलिए बात मैंडर की या पुंछ डिस्ट्रिक्ट की मैं इसलिए बात करता हूँ कि जम्मू प्रोविंस में 17 बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट हैं, 17 डिस्ट्रिक्ट में एक मुसलमान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेयर, 16 हिंदू या सिख, ठीक है। तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि इसलिए मुझे बनाया है कि अपने जो मुसलमान हैं उनको समझाना है तरीके से। अगर हमें कहीं जैसे उस रजवी ने बयान दिया कोई कुरान पाक के खिलाफ तो हमने उसकी कड़ी निंदा की, हमने उसको खबीस जहन्नमी जो भी हमसे निकलता है वो हम तो लोगों को ये पता चलेगा कि बीजेपी वाले इस्लाम के खिलाफ नहीं है, मुसलमान के खिलाफ नहीं है, ये शैतान बीच में आग लगाने के लिए आ गया है। जब अमन वाली जिंदगी गुजार रहे हैं तो एक आदमी शैतान है, वो शैतान आके हमें लड़ाई करवा रहा है। मतलब ये है वो दूसरे किसी आदमी से मिला होगा कि हाँ जी मैं वो देखो जी भारतीय जनता पार्टी में कहते हैं ग्रंथ पाठ को भी बंद कर दो, ये तो अल्लाह की किताब है, अल्लाह के बगैर तो कोई इसको जेर जबर चेंज नहीं कर सकता है और उसकी हिफाजत करने वाला अल्लाह है। अल्लाह चाहे तो हम एक सेकंड में यहाँ सारे के सारे इसी मकान में या हम खत्म हो जाए तो कोई बचा नहीं सकता। तो हमें साफ दिल से काम करना चाहिए, अंदर जो हमारा दिल है उसको साफ करके मेहनत करके पोलिंग बूथ से लेके पार्लियामेंट के इलेक्शन तक हर इलेक्शन में हम मेहनत करें। लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं, लोगों के जो काम नहीं होते हैं, लोग अतबार हम पे क्यों नहीं करते। मेरे घर सुबह 6 बजे से लेके अगर मैं रात सारी जाता रहा तब भी मैं लोगों को वहाँ सब लोगों के मसले हल नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत अच्छा कल आता, इसलिए वो लोग मेरे पास आते हैं कि उनके काम होते हैं मैं करवाता हूँ, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से हो चाहे लोगों से पेंच सरपंच। आप कहते हो कि काम नहीं, कल से डिस्ट्रिक्ट पहुंच में ग्राम सभा शुरू हो रही है, नया साल का जो प्लान है वो ग्राम सभा में जो डीडीसी मेंबर है, जो पंचायत का मेंबर है, जो हमारा यूथ का कोई आदमी है, देखो हमारे 7 मोर्चे, हर मोर्चे में 25-25, 26-26 आदमी जिम्मेदार हैं पार्टी, वो सारे छोड़ के लोगों की ये सेवा कर रहा हूँ। वहाँ मैं नहीं कर सकता था इसलिए मैं लोगों की यहाँ सेवा, मुझे अपने आप को बड़ा नहीं बनाना था, मुझे अपने रिश्तेदार बरादरी वालों को सबकी परेशानी दूर करनी थी और वो मैंने देखा इसी में हो सकती है, यहीं मैं आके डेवलपमेंट करा सकता हूँ, इस स्टेज पे आके करवा सकता हूँ। आज अगर मैं डीसी साहब के पास जाता हूँ